वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर चल रहा है सिनोनिम। ध्यान दीजिए दोस्तों सिनोनिम पर। सिनोनिम्स, इसके बारे में मैंने बताया था दोस्तों। यहां पर साइन वर्ड का मीनिंग्स होता है समान से, शाइन मीनिंग्स होता है समान, यानी कि समान अर्थ को दर्शाने वाले सिनोनिम्स होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस बार्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों समझदार। ध्यान दीजिए दोस्तों, कंसेंट जो होता है, कंसेंट मतलब साइंस से होता है, आत्मचिंतन से होता है दोस्तों। तो आप देखते हैं कॉन्सेंटियस बार्ड का मीनिंग्स होता है समझदार। कॉन्सेंटियस बार्ड का मीनिंग समझदार होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर कंसेंट, कंसेंट का मींस आत्म से होता है कंसेंट। यहां पर ध्यान देते हैं कंसेंट, कंसेंट वर्ड का मीनिंग्स आत्मचिंतन से होता है, यानी जो व्यक्ति आत्मचिंतन करके बोलता है, यानी कि सही दिमाग से बोलता है, उसको क्या कहा जाता है, समझदार कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं कॉन्सेंटियस वर्ड का मीनिंग्स होता है समझदार। तो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, परसुएसिव। परसुएसिव का मीनिंग्स होता है दोस्तों आकर्षित करने वाला। कॉन्सेंटियस संतुष्ट भी होता है दोस्तों, कॉन्सेंटेड वर्ड का मीनिंग संतुष्ट भी होता है। परसुएसिव का मीन्स होता है आकर्षित करने वाला। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ध्यान देना है आपका जो कॉन्सेंट या समझदार प्लस पॉइंट में गया है, परसुएसिव आकर्षित करने वाला ये भी प्लस है दोस्तों। रिप्रोबेट जो होता है वो होता है बदमाश, समझदार व्यक्ति बदमाश नहीं हो सकता, ये माइनस गया। यहां ध्यान देते हैं दोस्तों, रिप्रोबेट, रिप्रोबेट का मीनिंग होता है बदमाश, बदमाश। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं परसुएसिव का मीनिंग्स होता है प्रतिकारक, प्रतिकारक भी होता है दोस्तों, प्रतिकारक। कोई चीज के विरुद्ध कार्य करने वाला, तो ये माइनस है। यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग्स होता है सन की। कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, सन की होता है। आप यहां ध्यान देते हैं कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, सन की होता है। तो ये सन की व्यक्ति भी समझदार के विरुद्ध कार्य करता है, आपको ध्यान देना है। बदमाश व्यक्ति भी समझदार के विरुद्ध कार्य करता है, प्रतिकारक वैसे ही विरुद्ध है ऑटोमेटिकली। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं मीटिक्यूलस वर्ड का मीनिंग्स होता है अति सावधान, अति सावधान, यानी किसी कार्य को करने में बहुत ज्यादा सावधान है, बहुत ही समझदारी पूर्ण तरीके से कार्य करने वाले को समझदार या अति सावधान कहा जाता है दोस्तों। तो ये प्लस में हो चुका है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, प्लस प्लस, यानी कि मीटिक्यूलस यानी अति सावधान, आंसर डी। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 26 पर ध्यान दीजिए, कंसर्वेशन। कंसर्वेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है संरक्षण। कंसर्वेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग्स क्या होता है, कंसर्वेटिव संरक्षणात्मक होता है, कंसर्वेट संरक्षण करना होता है। तो कंसर्वेशन क्या होता है दोस्तों, संरक्षण होता है। ध्यान दीजिए, कंसर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, यानी रक्षा करने से है। कंसर्वेशन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, संरक्षण, रक्षा करने से है संरक्षण। यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, देखिए कंसर्वेशन मीनिंग्स क्या, कंसर्वेशन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, संरक्षण होता है। कंसर्वेशन संरक्षण के बारे में जानकारी देता है दोस्तों, ध्यान देना है। किसी की रक्षा करने से संबंधित है कंसर्वेशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन वर्ड जो है ये उजाड़ के बारे में दर्शाता है। डिसोल्यूशन किसके बारे में दर्शाता है, उजाड़, मतलब जहां किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है। डिसोल्यूशन वर्ड ये ध्यान दीजिए संरक्षण प्लस का कार्य करता है। डिसोल्यूशन वर्ड है जहां किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है,
उसको कहा जाता है डिजोलेशन। डिजोलेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है यानी कि उजाड़, उजाड़ भरे क्षेत्र को डिजोलेशन कहा जाता है। तो ये माइनस का कार्य कर रहा है। डिस्ट्रक्शन विनाश, जहां पर विनाश हो सकता है, तो देखिए दोस्तों ये भी विनाश भी माइनस का संरक्षण के विपरीत कार्य कर रहा है। विनाश उजाड़ भी संरक्षण रक्षा करने से होता है, अगर कोई चीज रक्षा नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, उजड़ जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। तो ये दोनों विपरीत कार्य कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए, उन्मूलन, 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 ध्यान दीजिए दोस्तों, उन्मूलन जो होता है किसी कार्य की अंतिम अवस्था होती है। उन्मूलन कहने का तात्पर्य है एक मूल्यांकन के तौर पर चलाए जाने वाला अभियान होता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, सुरक्षा। हम किसी चीज का संरक्षण कर रहे हैं तो वो उसकी सुरक्षा हो रही है, सुरक्षा कर रहे तो संरक्षण हो रहा है। तो दोस्तों ये इसका सिनोनिम है, मतलब समान लगने वाला अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, आपका डी हुआ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 27, कंसोलिडेशन वर्ड का मतलब होता है समेकन, समेटना, एकत्रित करना, सॉलिड करना, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है एकीकृत, एकीकृत या फिर समेकन, समेकन मीन्स समेटने से या मिलाने से होता है, एक एक चीज को रखने से होता है। समेकन वर्ड का मीनिंग्स एकीकृत करना प्लस का कार्य कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। किसी चीज को हम मिला रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं, तो ये प्लस का कार्य कर रहा है। अब यहां ध्यान देते हैं, कंसोलिडेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है एकीकृत। ओके, यहां ध्यान दीजिए, केयरलेस, केयरलेस जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है लापरवाह। अगर कोई चीज के प्रति लापरवाही हो रही है तो वो एकीकृत नहीं की जा सकती दोस्तों, ध्यान देना है। कि यहां पर कंसोलिडेशन ये माइनस गया यानी लापरवाह, केयरलेस, लापरवाह, ध्यान दीजिए दोस्तों। नेग्लिजेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है तुच्छ, अगर कोई चीज बहुत कम है, तुच्छ है, नेग्लिजेंट हो रही है, नेग्लिजेंट वर्ड का मीनिंग्स लापरवाह भी होता है। ओके, नेग्लिजेंसी लापरवाही पूर्ण होता है, नेग्लिजेंस लापरवाही होता है, नेग्लिजेंट लापरवाह भी होता है। डिसइंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों डिस, नेगेटिव जाएगा, ध्यान रखना है डिस रूट वर्ड डिस का, डिस ये नेगेटिव के लिए कार्य करता है, कहीं पर भी कार्य करेगा दोस्तों नेगेटिव के लिए कार्य करेगा। इंट्रीगेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है एकीकृत करने से, तो इंट्रीग्रेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, एकीकृत करने से। अब डिस नेगेटिव हो गया तो डिस इंट्रीगेटिव मतलब विघटन, इसका मीनिंग्स क्या हो चुका है दोस्तों, विघटन यानी टुकड़े टुकड़े में टूट जाना, विघटित हो जाना। तो एकीकृत के विपरीत कार्य कर रहा है दोस्तों विघटन। यहां आप देखते हैं इंट्रीग्रेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, टुकड़ों के रूप में जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है विभाजित कर देना, टुकड़ों में बांट देना। ओके, तो आप देखते हैं यहां पर डिसइंटीग्रेटर वर्ड का मीनिंग्स होता है चीरफाड़ करने वाला, तो आप देखते हैं यहां पर यह वर्ड नाउन है, तो डिसइंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, विघटन। तो ये इसका बेस्ट आंसर नहीं है, कारण यह है कि एकीकृत का विलोम क्या होता है, विघटन होता है दोस्तों। तो ये तीनों ही आप ध्यान देते हैं, ये तीनों ही किस में जा चुके हैं, माइनस में जा चुके हैं। या ध्यान दीजिए सॉलिडिफिकेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है मजबूती प्रदान, यानी मजबूत वस्तु के लिए सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, यानी कठोरता, दृढ़ता, मजबूतीकरण भी कह सकते हैं इसको। तो आप देखते हैं यहां पर सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है मजबूतीकरण, सॉलिड वर्ड से बना है। अब कोई चीज मजबूतीकृत है तो इसका मतलब वो एकीकृत है, वो क्या चीज है, एकीकृत है, संगठित है, तभी तो मजबूत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये इसका समान अर्थ दे रहा है,
तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, डी हो चुका है, सॉलिडिफिकेशन। क्वेश्चन संख्या 28 पर ध्यान दीजिए, कंस्टरनेशन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों आतंक। कंस्टरनेशन, कंस्टरनेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, आतंक होता है। कंस्टरनेशन मीनिंग होता है आतंक, ध्यान दीजिए दोस्तों। कंस्टर मॉन्स्टर, कंस्टर, कंस्टर वर्ड डरावना के लिए आता है, कंस्टर वर्ड का मीनिंग्स होता है डरावना, आतंक डरावनी चीज होती है। नेशन कंस्टरनेशन, जिस देश में डरावना व्याप्त हो जाता है वहां आतंक फैल जाता है तो उसको कहा जाता है कंस्टरनेशन, यानी कि आतंक। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बताइए इसका आंसर कौन सा बेस्ट इसका सिनोनिम होगा, यानी साइन वर्ड कौन सा होगा इसका, ध्यान दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए पर, ए पर ध्यान दीजिए, अमेजमेंट का मीनिंग्स होता है अचंबा, अमेजमेंट भौचक का अचंबा, अचंबा यानी कि अमेजमेंट। आतंक नेगेटिव है, अचंबा भी किसी चीज पर अचंबा हो जाना तो ये भी नेगेटिव सेंस देता है। कंपोजर वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों दिमागी शांति, कंपोजर का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, दिमागी शांति, दिमागी शांति। कंपोजर वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, दिमागी शांति होता है दोस्तों, ध्यान देना है। ट्रिंक्विलिटी, ट्रिंक्विलिटी, ट्रिंक्विलिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है शांति, ट्रिंक्विलिटी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है शांति। ओके, एक्सपेक्टेंसी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों उम्मीद, उम्मीद। अब देखिए आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए, देखिए दोस्तों कंस्टर्नेशन वर्ड का मीनिंग आतंक होता है। अगर कोई चीज में आपको शांति प्रकट हो रही है तो उसमें कभी भी आतंक का संकेत नहीं हो सकता, यानी कि शांति जो होती है दिमागी शांति हो या जगह की शांति हो ये सीधे आतंक के विपरीत कार्य करती है। तो दोस्तों आपका आतंक माइनस कार्य कर रहा है, दिमागी शांति प्लस कार्य करेगी। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन, ऑप्शन इस पर ध्यान दीजिए, शांति पर, यानी कि आतंक और शांति दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। ये शांति वातावरण को शांत करती है और आतंक वातावरण को खराब करता है, तो ये दूसरे के विपरीत हो गए तो ये प्लस का कार्य करेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों अचंबा और उम्मीद पर, ये इनमें से समान कौन सा आंसर आपको लगता है। उम्मीद जो होती है तो वहां पर आतंक की स्थिति नहीं बन सकती, जहां पर उम्मीद की स्थिति हो रही है तो इसका मतलब वहां शांति स्थापित है, वातावरण शांत है, तो ये इसका विपरीत कार्य करेगा, प्लस का कार्य करेगी। उम्मीद और शांति प्लस का कार्य कर रही है तो माइनस क्या हो गया, अचंबा। आतंक एक अचंबे का संकेत होता है, भय का संकेत होता है, तो आप यहां पर अचंबा या भय, इसका अमेजमेंट का मतलब भय भी होता है अचंबा भी होता है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या हो चुका है, 28 का ए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या दोस्तों 29 पर देखिए, कॉन्टुमेशियस मीनिंग्स होता है, कॉन्टुमेशियस मीनिंग्स होता है उद्दंड, कॉन्टुमेशियस का मीनिंग्स क्या होता है उद्दंड, उद्दंड। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, कॉन्टुमेशियस कौन हो तुम, इस तरीके से बोलता कौन है, उद्दंड व्यक्ति बोलता है कि तुम कौन हो, यानी कि तू लगाकर किस तरीके से बात करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है, उद्दंड होता है। कॉन्टुमेशियस मीनिंग्स होता है उद्दंड। यहां पर देखते बताइए दोस्तों आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर अल्टरनेटिव चूज करेंगे आप, आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा। आपका आंसर है दोस्तों इंसर्जेंट डी, बागी। ध्यान दीजिए दोस्तों ऑब्लिगिंग का मतलब होता है दोस्तों, ऑब्लिंग का मतलब किसी बात को मानना, बाध्यकारी।
ओबलिंग बर्ड जो है वो किसका होता है, बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी, किसी कार्य करने में बाध्य होता है उसे कहते हैं ओबलिंग। और ओबलिक का मतलब होता है किसी चीज को मानना, स्वीकार करना। कौन उद्दंडता, ये उद्दंड जो व्यक्ति होता है माइनस का कार्य कर रहा है। अगर कोई चीज बाध्यकारी है, आप उस कार्य से जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। ओबीडियंट वर्ड का मीनिंग्स होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। उद्दंड आज्ञाकारी नहीं हो सकता, तो ये इसके विपरीत कार्य करेगा दोस्तों एक तो। अब देखिए दोस्तों, टेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालिक, समकालिक, समकालिक यानी साथ साथ कार्य करने वाला, यानी साथ साथ समय के अनुसार, समय के अनुसार साथ साथ घटनाएं घटित होती है समान सेम समय में, तो समकालिक कहलाता है दोस्तों। टेम्प्रेरी काल कहा जाता है, और इसको कुछ समय के लिए भी बोला जा सकता है, टेम्प्रेरी है ये चीज। तो आपने देखा समकालिक, तो आप देखते यहां पर समकालिक स्थिति बनती है, ये इससे हट रही है बिल्कुल ही, इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसका आंसर वैसे ही नहीं हो सकता समकालिक से। अब देखिए दोस्तों, इंसर्जेंट बागी, ये इसका स्पष्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, बागी। ध्यान दीजिए, इसमें सेंस नहीं लग रहा है, बाध्यकारी समकालिक कोई सेंस पर डिपेंड नहीं करते, यहां पर ये सेंस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्पष्ट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, इंसर्जेंट होता है, सर्जेंट मतलब सेना से होता है, सेना के विपरीत इन, इन और डिस दोनों नेगेटिव कार्य करते हैं दोस्तों। एक तो डिस होता है, ये नेगेटिव माइनस कार्य करता है, एक इन जो लगता है ये भी माइनस के लिए लगता है, यानी ये भी नेगेटिव कार्य करता है। डिस और इन दोनों नेगेटिव स्थिति को, सेंस को दर्शाएंगे। क्वेश्चन संख्या 30 पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 30 पर ध्यान दीजिए। कन्वाइवल वर्ड का मीनिंग्स होता है खुशनुमा, कन्वाइवल, कन्वाइवल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, खुशनुमा, खुशनुमा, ध्यान देना दोस्तों, कन्वाइवल का मीनिंग्स क्या होता है, खुशनुमा होता है। ये प्लस की स्थिति का कार्य करेगा, खुशनुमा जो वस्तु होती है और व्यक्ति होता है वो प्लस का कार्य करता है दोस्तों, तो ये प्लस की स्थिति का कार्य करेगा। ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, सोलेम का मीनिंग्स होता है अकेला, अकेला या कह सकते हैं उदास। सोलेम का मीनिंग्स होता है उदास या अकेला, तो ये आपके नेगेटिव कार्य करेगा। एंटी सोशियल यानी कि समाज विरोधी, समाज विरोधी, समाज विरोधी जो वस्तु है वो कभी भी, ध्यान दिए दोस्तों, खुशनुमा नहीं हो सकती, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ओके, तो ये माइनस कार्य कर रही है, उदासी माइनस कार्य कर रही है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मोरोज रोज की तरह मोह हो जाना, यानी कि रोज की तरह कोमल हो जाना, तो मोरोज वर्ड का मीनिंग्स होता है रोज गुलाब की तरह कोमला जाना, यानी उदास हो जाना। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, मोरोज वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, उदास। हिलेरियस मतलब हंसते हुए हिल जाना, तो हिलेरियस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना है, खुशी या हंसी, हंसी या खुशी, ध्यान दीजिए दोस्तों। हिलेरियस यानी कि हंसी पूर्ण या खुशी पूर्ण, पूर्णता से दोस्तों ध्यान देना है यहां पर, क्योंकि ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, हिलेरियस एडजेक्टिव है, यहाँ पर मोरोज एडजेक्टिव है, सोलिम एडजेक्टिव है, और एंटी सोशल एडजेक्टिव है दोस्तों। कन्वाइवल भी आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का पर्यायवाची एडजेक्टिव यानी कि हंसी पूर्ण या खुशी पूर्ण हिलेरियस कहलाता है, हिलेरियस कहलाता है दोस्तों, ध्यान देना है। आपका आंसर क्या हो चुका है, डी। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, हाँ जी, हिलेरियस, हिलेरियस यानी कि कन्वाइवल का जो पर्यायवाची हुआ है, वो पर्यायवाची हुआ है, वो क्या हुआ है, हिलेरियस हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 31, क्वेश्चन संख्या 31 पर ध्यान देना है। कर्टियस, कर्टियस वर्ड का मीनिंग्स होता है शिष्ट, कर्टियस,
कर्टियस का मीनिंग्स क्या होता है? सिस्ट, सिस्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिस्ट, कर्टियस, कर्टियस बर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिस्ट। ओके हाँ जी, बताइए बेस्ट आंसर। कर्टियस का मीन्स होता है सिस्ट से, अच्छे व्यक्ति का संकेत देता है, प्लस का कार्य कर रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका आंसर चूज कीजिए। आपका आंसर है दोस्तों डेबोनेयर खुशनुमा। डेबोनेयर वर्ड का मीनिंग होता है खुशनुमा। देखते हैं दोस्तों डेबोनेयर खुशनुमा, एलमेनार्ड का मतलब होता है दुर्व्यवहारी, दुर्व्यवहार बाला। ध्यान दीजिए चुरलिस वर्ड का मीनिंग्स होता है अखड़, अखड़, अखड़ व्यक्ति जो किसी बात को बहुत कम मानता है उसे कहते हैं अखड़। ओके प्लिंथ्रोपिस्ट का मीनिंग्स होता है डिसकर्टियस वर्ड का मीनिंग्स होता है जो शिष्ट नहीं है, अशिष्ट, अशिष्ट। देखिए दोस्तों शिष्ट का अशिष्ट ये तो वैसे ही बिलोंग हो गया दोस्तों, यहां पर ये माइनस का कार्य कर गया, दुर्व्यवहार भी माइनस का कार्य कर गया दोस्तों, और अखड़ व्यक्ति किसी बात को नहीं मानता ये माइनस कार्य कर गया, फ्लिस का कार्य करने वाला खुशनुमा। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? डेवोनेयर हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 32 पर ध्यान दीजिए, 32 पर ध्यान दीजिए। शेनिकल वर्ड का मीनिंग्स होता है सन की, शेनिकल का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? सन की, सन की, शेनिकल का मीनिंग्स क्या होता है? सन की। यहां ध्यान देते हैं दोस्तों ऑप्शन ए पर, फ्रेंडली वर्ड का मीनिंग्स होता है मित्रवत, मित्रवत। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का मीनिंग्स होता है आशावादी, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? आशावादी। और चुरलिस वर्ड जस्ट अभी बताया अखड़, अखड़ किसी बात को नहीं मानने वाला। और प्लिंथ्रोपिस्ट का मीनिंग्स होता है दोस्तों मानव प्रेमी, मानवता से प्रेम करने वाला। तो आप यहां पर ध्यान देता है दोस्तों कि सनकी जो व्यक्ति होता है वो किस स्वभाव का होता है। सनकी व्यक्ति कभी भी आशावादी नहीं हो सकता, सनकी माइनस कार्य करता, आशावादी प्लस कार्य करता है। मानव प्रेमी कभी भी सनकी नहीं हो सकता, मानव प्रेमी मानव की भलाई करता है, ये भलाई का कार्य नहीं करता है। मित्रवत व्यक्ति कभी भी सनकी नहीं हो सकता, तो दोस्तों ये आपका प्लस कार्य करतेगा। मित्रपद जो व्यक्ति होगा वो कभी भी सनकी नहीं हुआ तो ये प्लस का कार्य करेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? अखड़। अखड़ व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सनकी होता है, यानी बात पर अड़ने वाला। तो आंसर क्या हो चुका है आपका? सी। क्वेश्चन संख्या 33 पर ध्यान दीजिए, डेम्पेंडेड कम पढ़ना या शांत होना, डिम पड़ जाना, डेम्पेंडेड शांत होना, शांत होना, कम पड़ जाना। देखिए दोस्तों डेम्पेंडेड, डिम पड़ जाना यानी शांत हो जाना, यानी कोई चीज शांत हो गई है, डेम्पेंडेड हो चुकी है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर आप देखते हैं ये वर्ब है पहली चीज तो, और शांत होना ये आपके कोई चीज कहने का तात्पर्य कम पड़ रही है, शांत होती जा रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कार्य कर रही है। शांत होने से यानी कि चुप हो जाने से, कहने का तात्पर्य कम होने से है यहां इसका अर्थ, डिम पड़ना, कम होना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये माइनस का कार्य करेगा, कोई चीज की कमी हो जाना। तो आप यहां पर देखते हैं ऑप्शन ए पर सेलेक्ट कीजिए, आपका चूज कीजिए आंसर कौन सा हो सकता है करेक्ट। आप यहां पर देखते हैं दोस्तों
डिस्करेज वर्ड का मीनिंग्स होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी एम्बोल्डन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों साहस प्रदान करना, साहस देना। बोल्ड वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है एम्बोल्डन। देखो वर्ड कैसे बना है, एम प्लस बोल्डन, एम प्लस बोल्डन। देखिए एम और एन दोनों किसी चीज को बढ़ाने के लिए आते हैं, एक्स्ट्रा करने के लिए आते हैं एम और एन। डिस और एन ये दोनों नेगेटिव है दोस्तों, ध्यान देना है। डिस और एन ये दोनों नेगेटिव है, डिस आपका नेगेटिव है और एन भी आपका क्या है नेगेटिव है, जबकि एम प्लस और एन भी प्लस है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एम बोल्डन यानी साहस, बोल्ड साहस से होता है, तो आप देखते हैं कि इसका मीनिंग्स बोल्ड साहस ही होता है, बोल्डनेस साहस होता है। तो आप देखते हैं एम बोल्डन मतलब साहस देने से होता है, साहस बढ़ाने से होता है। ओके ध्यान दीजिए दोस्तों, हार्टन वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रशंसा करना, हार्टन प्रशंसा करना। हार्टन यानी हार्ट यानी दिल से प्रशंसा की है उसने, तो हार्टन वर्ड का मीनिंग्स क्या हो गया प्रशंसा करना। आप यहां ध्यान देते हैं दोस्तों ऑप्शन डी पर एनकरेज, करेज वर्ड का मीनिंग्स होता है साहस से और एनकरेज वर्ड का मीनिंग्स होता है साहस प्रदान करना, साहस बढ़ाना। एनकरेज यानी कि कहने का तात्पर्य उत्साहित करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उत्साहित करना भी बोल सकते हैं इसको, उत्साहित करना, उत्साहित करना। आप ऐसे बोल सकते हैं प्रोत्साहित करना, तो बात वही है। तो आपने देखा दोस्तों ऑप्शन ए हतोत्साहित करना, तो उत्साह की स्थिति नहीं है। ओके प्रशंसा करना प्लस का कार्य कर रहा है दोस्तों, इसके विपरीत जस्ट प्लस का कार्य कर रहा है। साहस देना भी शांत करने से नहीं प्लस का कार्य करेगा, साहस बढ़ाना उत्साहित करना ये भी आपके प्लस का कार्य करेगा। तो आंसर क्या हो गया हतोत्साहित। डैम्पेंडेड का आंसर क्या हो चुका है डिस्करेज्ड। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 34 पर ध्यान दीजिए, डिबिलिटेट डिबिलिटेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कम करना, डिबिलिटेट डिबिलिटेट वर्ड का मीनिंग्स होता है डिबिलिएट, डिबिलिटेट डिबिलिटेट वर्ड का मीनिंग्स होता है कम करना, डिबिलिटेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों कम करना। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि डिबिलिटेट वर्ड मीनिंग्स कम करना, तो देखिए अटेनुएट वर्ड का मीनिंग शांत करना या कम करना होता है, कम करना अटेनुएट, कम करना अटेनुएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कम करना। ओके या कमजोर करना ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कमजोर करना अटेनुएट, कमजोर करना। और देखिए स्ट्रेंथन वर्ड का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना, शक्ति देना, स्ट्रेंथ शक्ति को बढ़ाना या शक्ति देना। इनवेगरेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, बेगर वर्ड का मीनिंग्स होता है ताकत से, यानी इनवेगरेट यानी कि ताकत को बढ़ाना। इनवेगरेट ताकत बढ़ाना। रिजुविनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है नया करना, नया करना। देख दोस्तों यहां पर आप देखते हैं रिजुविनेट यौवन वर्ड से बना है, यौवन से बना है, युवा अवस्था से बना है रिजुविनेट, रिजुविन यानी जुवन, जुविनेलिटी, जुविनाइल वर्ड का, जुविनाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है युवा, तो जोबिनेट वर्ड का मीनिंग्स होगा युवा अवस्था में। रिजोबिनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है युवा को और युवा बना देना, कहने का तात्पर्य नवीनकरण कर देना।
इन बैग्योर, बैग्योर वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों ताकत से, इन बैग्योर वर्ड का मीनिंग्स होगा दोस्तों ताकत को बढ़ा देना, कहने का तात्पर्य है। स्ट्रेंथ वर्ड का मीनिंग्स होता है शक्ति से, तो स्ट्रेंथन वर्ड का मीनिंग्स क्या हो जाएगा दोस्तों शक्ति दे देने से होता है, बढ़ाने से। तो आप देखते हैं कम कर रहे हैं तो यहां पर शक्ति दे रहे प्लस हो रहा है, नया कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, ताकत बढ़ा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, कमजोर कर रहे हैं तो माइनस हो गया। तो आपका क्वेश्चन माइनस में पूछा गया है तो यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव आंसर ए हो चुका है आपका। अटेनुएट यानी डिबिलिटेट वर्ड का मीनिंग्स है दोस्तों कम करना, तो अटेनुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है कमजोर करना। अगर कोई चीज कम कर रहे हैं तो आप उसको कमजोर बना रहे हैं, उसको शक्ति नहीं दे रहे, उसको नया नहीं बना रहे, उसको ताकत नहीं दे रहे, तो आंसर क्या हो गया ए। क्वेश्चन संख्या 35 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। डिफंक्ट, डिफंक्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है मृत प्राय। डिफंक्ट, डिफंक्ट का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों मृत प्राय। डिफंक्ट का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों मृत प्राय यानी मरे हुए के समान। डिफंक्ट का मीनिंग्स क्या होगा मरे हुए के समान होना। ओके तो देखिए मृत प्राय जो वस्तु होती है वो माइनस का कार्य करती है दोस्तों। आ जाइए दीजिए आंसर क्या होगा इसका, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों निर्जन यानी उजाड़ वाला क्षेत्र, निर्जन या उजाड़ कह सकते हैं आप, ऑब्सोलीट। ओके अब देखिए दोस्तों एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है अस्तित्व में होना, अस्तित्व, अस्तित्व में होना। एग्जिस्टिंग यानी अस्तित्व पूर्ण कह सकते हैं इसको, एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग्स क्या हुआ अस्तित्व पूर्ण हुआ है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए। ऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग का मीन्स होता है ऑपरेट करना, किसी चीज को लागू करने से होता है। ऑपरेटिंग का मीनिंग्स होता है आगे बढ़ने वाला, कहने का तात्पर्य प्रारंभिक, प्रारंभिक। प्रारंभिक होगा दोस्तों। ओके ऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक। ध्यान दिए दोस्तों सर्वाइविंग वर्ड का मीनिंग्स होता है जीवन से, जीवित पूर्ण यानी जीवन पूर्ण। सर्वाइविंग, सर्वाइव वर्ड का मतलब होता है जीवन से, जीवित, सर्वाइव। ओके सर्वाइव का मतलब जीवित, जीवन से होता है तो सर्वाइविंग मतलब जीवन पूर्ण होता है, अस्तित्व पूर्ण, जीवन पूर्ण। प्रारंभिक यानी कोई चीज क्या हो रही है ऑपरेट हो रही है, मतलब लागू हो रही है, चालू होना। ऑपरेटिंग का मतलब चालू करने से होता है, चालू करने वाला ऑपरेटिंग। देखते हैं दोस्तों ऑपरेटर, तो आप देखते हैं कार्य चल रहा है, ये तीनों जो है अस्तित्व होने से, प्लस का कार्य जीवन पूर्ण, प्लस का कार्य अस्तित्व होना मतलब जीवन है, जीवन पूर्ण, जीवन है। अगर कोई चीज ऑपरेट हो रही है तो उसमें जीवन है, तो ये तीनों आपके प्लस कार्य करेंगे। उजाड़ में कहीं जीवन नहीं है, उजाड़ वाले क्षेत्र में जीवन का अस्तित्व नहीं होता दोस्तों, तो ये आपके माइनस का कार्य करेगा, तो माइनस माइनस आंसर ए। तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों ऑब्सोलीट हो चुका है। हाँ जी क्वेश्चन संख्या 36 पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 36 हाँ दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन संख्या 36 पर डेमोलिश, डेमोलिश वर्ड का मीनिंग्स होता है उजाड़ से, नष्ट करने से होता है दोस्तों। डिमोलिश, डेमोलिश का मीनिंग्स क्या होता है नष्ट करना। डेमोलिश का मीनिंग्स क्या होता है नष्ट करना होता है दोस्तों, किसी चीज को नष्ट करने से, डेमोलिश करने से। ओके यानी कि मोलिस वर्ड का मीन्स जीवन से होता है, जीवित से होता है, बट डी नेगेटिव हो गया, डिमोलिश यानी उसका जीवन नष्ट कर रहे हैं यानी कि उसको हटा रहे हैं बिल्कुल ही। ध्यान देना दोस्तों डिसमेंटल वर्ड का मीनिंग्स होता है विनाश करना,
विनाश करना। डिसमेंटल का मीनिंग क्या होता है? विनाश करना। ओके, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, इस्टाब्लिश, इस्टाब्लिश वर्ड का मीनिंग होता है कायम करना, कायम करना, इस्टाब्लिश का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कायम करना। क्वेश्चन संख्या 36, इस्टाब्लिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कायम करना। ओके, आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर प्रोड्यूस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न करने से होता है। प्रोड्यूस का मीनिंग किससे होता है? उत्पन्न करने से। प्रोड्यूस का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न करना। और यहां ध्यान देते हैं, कंस्ट्रक्ट वर्ड का मीनिंग होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन वर्ड का मीनिंग निर्माण से होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करने से होते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों, कोई चीज नष्ट हो रही है तो माइनस का कार्य कर रही है, कहने का तात्पर्य है। यहां पर देखते हैं दोस्तों, कोई चीज कायम कर रही है तो कहने का तात्पर्य, अगर वो कायम है मतलब लागू है, कायम का मतलब होता है लागू होने से, जारी रहने से, तो नष्ट हो रही है तो नष्ट है, नष्ट कर रहे हैं तो फिर वो जारी नहीं हो सकती, इसके विपरीत कार्य करेगा, तो प्लस का कार्य करेगा। अगर कोई चीज नष्ट हो रही है और एक उसका निर्माण हो रहा है तो ये भी विपरीत कार्य करेगा। अगर कोई चीज नष्ट हो रही है और वो फिर वो उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न करना, नष्ट करना एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं दोस्तों। नष्ट करना, विनाश करना आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, ए डिसमेंटल, यानी कि 36 का आंसर डिसमेंटल। क्वेश्चन संख्या 37 पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट वर्ड का मीनिंग होता है संकेत करना। डिमोन्स्ट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? संकेत करना। डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट वर्ड का मीनिंग होता है संकेत करना। डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाची, डिमोन्स्ट्रेशन संकेतन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, डिमोन्स्ट्रेट वर्ब है, इसका मीनिंग होता है संकेत करना, किसी चीज को दर्शाना। ध्यान दीजिए दोस्तों ऑप्शन पर, डिसप्रूव, डिसप्रूव का मतलब होता है गलत सिद्ध करना, गलत सिद्ध करना, गलत सिद्ध करना। डिसप्रूव यानी कि वो चीज प्रूव नहीं होना, यानी कि उसका संकेत नहीं होना, डिसप्रूव कहलाता है दोस्तों। ओके, एग्जिबिट का मीनिंग्स होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना मतलब किसी चीज को दिखाना, एग्जिबिशन प्रदर्शनी होती है दोस्तों। एग्जिबिट वर्ब है, मीनिंग्स होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, दर्शाना, एग्जिबिशन प्रदर्शनी होती है। डिस्टिंग्विश वर्ड का मीनिंग्स होता है छिपा होना, छिपा होना या गुप्त होना। अब कोई चीज छिपी हुई है, गुप्त है, तो फिर उसको कैसे दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते दोस्तों। कोई चीज सिद्ध नहीं हो रही है, गलत सिद्ध है, तो उसको सिद्ध नहीं किया जाता। तो ये दोस्तों आप ध्यान देते हैं कि ये भी आपके इसका विपरीत कार्य करेगा, छिपा होना भी विपरीत कार्य करेगा दोस्तों। तो आप देखते हैं यहां पर एग्जिबिट, एग्जिबिट वर्ड का मीनिंग होता है प्रदर्शित करना, और एग्जिबिशन प्रदर्शनी। कंसील वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों छिपाना, कंसील, कैंसिल करना भी और कंसील छिपाना। कंसील वर्ड का मीनिंग होता है छिपाना। अब देखो, कोई चीज आप संकेत कर रहे हैं तो वो छिपाई नहीं जा सकती, फिर वो आपके सामने आएगी, तो ये इसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो ये आपका विलोम शब्द है। अगर कोई चीज संकेत कर रहे हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिए, उसको सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना संकेत करने का संकेत देता है। तो यहां पर असिद्ध करना या गलत सिद्ध करना संकेत करने का संकेत नहीं है, तो ये चीज इसके विपरीत कार्य कर रही है, ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई चीज संकेत कर रहे हैं तो मतलब उसको स्पष्ट रूप से आप खुलासे में ला रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं उस चीज का, खुलासा कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है। ओके, तो यहां पर छिपा होना ये एक संकेत करने का कार्य नहीं करता है, छिपा मतलब छिपाना संकेत के विपरीत कार्य करेगा। तो आंसर क्या हो चुका है? प्रदर्शित करना, आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 38 पर ध्यान दीजिए दोस्तों,
हाँ जी 38 डीमोरलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है नैतिक पतन करना। डीमोरलाइज का मीनिंग्स क्या होता है? नैतिक पतन करना। डिमोरलाइज, किसी आदमी को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है उसके गुणों को नष्ट कर रहे हैं। डिमोरलाइजेशन का मतलब होता है गुणों का नष्ट हो जाना। डिमोरलाइज का मतलब क्या होता है? मॉरल, डी प्लस मॉरल। मॉरल का मीनिंग्स क्या होता है? नैतिक। आईजेडी, ये आईएसी, ये आपके वर्ब सफिक्स, आईजेडी नाउन भी है। ओके, तो आप देखते हैं कि मॉरल वर्ड का मतलब नैतिकता से होता है, मॉरेलिटी, नैतिकता। मॉरल वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है? नैतिक से होता है। ओके, तो डीमोरल मतलब नैतिकता के विपरीत, यानी कि नैतिकता को नष्ट करना। डीमोरल जो है डी नेगेटिव कर देगा इसको, नैतिकता को नष्ट करेगा, यानी नैतिक पतन करना या नैतिकता के गुणों को नष्ट करना डीमोरलाइज कहलाता है। अब देखते दोस्तों ऑप्शन ए, करेज का मतलब उत्साह, तो इनकरेज वर्ड का मीनिंग्स होता है उत्साह बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना। ओके, ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डिबॉच, डिबॉच वर्ड, डिबॉचरी का मतलब होता है चरित्रहीन, तो डिबॉच, डिबॉच का मतलब होता है चरित्र बिगाड़ना, चरित्र बिगाड़ना, डिबॉच। ऑप्शन सी पर हार्टन, हार्ट वर्ड से बना है हार्टन, यानी कि प्रशंसा करना, हार्ट यानी दिल से प्रशंसा करना, हार्ट वर्ड से बना है हार्टन, यानी हार्ट का मतलब दिल से, और हार्टन प्रशंसा करना, दिल से प्रशंसा करना। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों साहस बढ़ाना, साहस बढ़ाना। तो बताइए दोस्तों, चूज कीजिए आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? डिमोरलाइज, नैतिक पतन कर रहे हैं यानी गुणों को नष्ट कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है आप उसके गुणों को नष्ट कर रहे हैं, तो चरित्र बिगाड़ रहे हैं उसका, ये इसका समान कार्य कर रहेगा चरित्र बिगाड़ना। ओके, यानी कि नैतिक यानी गुण नष्ट हो रहे हैं तो चरित्र में भी गुण नष्ट होते हैं, तो नैतिक पतन होता है तो भी गुण नष्ट होते हैं, ये इसका समान अर्थ या आंसर बी, डिबॉच। साहस बढ़ा रहे तो इसको एक गुण प्रदान हो रहा है, यानी साहस बढ़ाने में गुण प्लस हो रहा है, उत्साह बढ़ाने में भी गुण प्लस हो रहा है, प्रशंसा करने में भी गुण प्लस हो रहा है, बट चरित्र बिगाड़ने में गुण माइनस हो रहा है, तो आंसर बी हो चुका है आपका। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 39, डिनाउंस, डिनाउंस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों ध्यान देना है, डिनाउंस का मीनिंग्स होता है निंदा करना, डी अनाउंस है, डिनाउंस वर्ड बनाए डी अनाउंस से, डिनाउंस, डी अनाउंस। अनाउंस वर्ड का मीनिंग होता है घोषणा करना, यानी कि अपनी प्रशंसा करने से होता है, यानी कोई चीज की घोषणा करने से होता है, और डी कर दिया तो नेगेटिव हो गया वो, डी डिस नेगेटिव, ध्यान देना है डी आपका नेगेटिव है दोस्तों, डी लगते ही वर्ड नेगेटिव हो जाएगा और एम लगते ही वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखते हैं डिनाउंस यानी कि कहने का तात्पर्य निंदा करना, यानी अनाउंस को डिनाउंस कर दिया, किसी के बारे में अनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा थोड़ी कर रहे हैं, और आपने अगर उसको डी कर दिया तो नेगेटिव हो गई, तो कहने का तात्पर्य निंदा करना हो गया इसका। ओके, अब दोस्तों ध्यान दीजिए आप, कास्टिगेट, कास्टिगेट वर्ड का मीनिंग होता है लांछन लगाना, लांछन लगाना, आप उसकी कास्ट पर लांछन लगा रहे हैं, कास्टिगेट। ओके, उसको अनाउंस को डी कर दिया नेगेटिव, डिनाउंस निंदा कर रहे हैं आप उसकी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, CUMPLEMENT, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना होता है दोस्तों, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग्स क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंड एक तो था कमांड, आदेश देना, और ये है कमेंड यानी कि प्रशंसा करना। ओके, यूलाइज, यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है
प्रशंसा करना, ओके। तो आप देखते हैं दोस्तों यहां पर ध्यान देते हैं कि तीनों का मींस प्रशंसा करना हो चुका है, तो आंसर क्या हो चुका है, ऑटोमेटिकली ए आ चुका है, कास्टिगेट लंच लगाना। क्वेश्चन संख्या 40 पर ध्यान दीजिए, डिवास्ट। डिवास्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों नष्ट करने से होता है। डिवास्ट वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है, डी बास्ट है, इतनी बड़ी, बास्ट का मतलब विशाल, बास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल चीज को आपने डी कर दिया मतलब नष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य डिवास्टेड वर्ड का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, नष्ट करना, ओके। हाँ जी, कंफर्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है आराम प्रदान करना, आराम प्रदान करना, कंफर्ट, ओके। देखते हैं इंप्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, सिद्ध करना, ओके। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। यहां पर ध्यान देते हैं प्लंडर वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों नष्ट करना। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, कंफर्ट आराम प्रदान कर रहे हैं तो वो चीज नष्ट नहीं हो रही, सिद्ध कर रहे हैं तो नष्ट नहीं हो रही, निर्माण कर रहे हैं तो नष्ट नहीं हो रही, नष्ट करना, नष्ट करना, आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 41 पर ध्यान दीजिए, डेविलिश। डेविलिश का मीनिंग्स होता है दोस्तों खतरनाक, डेविलिश, डेविलिश का मीनिंग्स होता है खतरनाक। या आप उद्दंड कह सकते हैं इसको, ओके, खतरनाक, डेविलिश। देखिए दोस्तों यहां पर इसमें इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है एविल। एविल वर्ड का मीनिंग्स होता है बुराई, डेविलिश, बुराई खतरनाक होती है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये डेविलिश दुर्गुण के लिए भी आता है, डेविलिश यानी कि एविल से बना है, डेविलिश, इविलिश। देखो यहां पर देखते हैं दोस्तों खतरनाक चीज बहुत डरावनी होती है। वर्चुअस वर्ड का मतलब होता है गुणवान, गुणवान कभी खतरनाक नहीं होता, यानी गुणवान चीज से कोई डरता नहीं है। डेविलिश डरावना भी होता है, ओके। ध्यान दीजिए दोस्तों एंजेलिक, एंजेलिक जो वर्ड है वो पवित्र होता है। सेंटली का मतलब संत जैसा पवित्र, ओके। अट्रोसियस मीनिंग्स होता है डरावना, यानी खतरनाक चीज होती है वो डरावनी होती है दोस्तों, ध्यान देना है। गुणवान और पवित्र, और पवित्र ये तीनों एक ही श्रेणी में कार्य कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों आपका, अट्रोसियस। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 42 पर, 42 डिस्कम्फीचर वर्ड का मीनिंग्स होता है पराजय, डिस्कम्फीचर वर्ड का मीनिंग्स होता है डिसनेगेटिव, कम फिट, बहुत कम फिट है, डिसनेगेटिव, कम फिट, पराजय, यानी कि इसकी पराजय निश्चित है। डिसकम्फीचर है यानी फिट कम है, डिसोर लग गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो कहने के तात्पर्य पराजय से होगा दोस्तों। आप यहां ध्यान देते हैं इसके ऑप्शन ए पर, कंटेंटमेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों संतुष्टि, कंटेंटमेंट का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों संतुष्टि। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर कंटेंटमेंट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, संतुष्टि से होता है। एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों लज्जा, किससे होता है, लज्जा। एम्ब्रेस वर्ड का मीनिंग्स होता है लज्जित होने से होता है, और एम्ब्रेसमेंट वर्ड का मीनिंग्स क्या होगा, लज्जा से होगा दोस्तों। और कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट से, और कंटेंटमेंट नाउन है संतुष्टि। ग्रेटिफिकेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है कृतज्ञता,
ग्रेट का मतलब महान गुण, कृतज्ञ। महान गुण कौन सा है? कृतज्ञता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो ये एकदम महानतम गुण है, ग्रेटी। ग्रेटी, ग्रेटिफिकेशन, यानी ग्रेट का मतलब महानतम गुण, कृतज्ञता। यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, कंटेंटमेंट है। कंटेंट वर्ड का मतलब संतुष्ट, कंटेंटमेंट संतुष्टि। एम्ब्रेस वर्ड का मीनिंग लज्जा होने से होता है, ओके लज्जा होता है। कॉम्प्लेंसी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों अनुपालन, अनुपालन किसी चीज की पालना होना। या कॉम्प्लेंसी वर्ड का मीनिंग होता है शांत स्वभाव, ओके यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, संतुष्टि कृतज्ञता ये दोनों इसके प्लस में कार्य कर रहे हैं पराजय के, ओके पराजय यानी लज्जित व्यक्ति पराजित का संकेत देता है। तो ये आपका आंसर है। डिस्कम्फीचर का मतलब होता है आपका एम्बरेसमेंट, लज्जा। डिसएंटेंगल, एंटेंगल वर्ड का मतलब होता है उलझा देना, किसी बात में उलझाना, ध्यान देना है। इंटिंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उलझाना। इंटिंगल मीनिंग्स होता है उलझाना, और डिसएंटेंगल मतलब उलझे हुए को सुलझा देना, सुलझाना, सुलझाना, ओके ध्यान दीजिए दोस्तों। डिसएंटेंगल यानी कि सुलझाना होता है, ओके बिल्डर वर्ड का मीनिंग, बी बिल्डर का मतलब होता है भौचक्का करना, भौचक्का करना, बिल्डर। बी बिल्डर वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डरमेंट, मतलब भौचक्का हो जाना। कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मीनिंग होता है समझौता, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना। ध्यान दीजिए, एंटेंगल का मीनिंग होता है उलझाना, सुलझाना, उलझाना, ये तो वैसे ही एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं दोस्तों। सुलझाना प्लस का कार्य है, उलझाना माइनस का कार्य है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अनट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है खोलने से, और अनट्विस्ट का मतलब होता है उलझा देना, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। ट्विस्ट जो है दोस्तों, ध्यान देना है, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़, एट। ट्विस्ट जो वर्ड है मरोड़ के लिए आता है, मरोड़ यानी कि उलझन होती है, और अनट्विस्ट यानी कि मरोड़ उलझन को सुलझाना, ध्यान देना दोस्तों। ये वर्ड ऐसे बना है अनट्विस्ट, इनको रूट वर्डों से याद रखना है। यानी ट्विस्ट वर्ड का मतलब होता है मरोड़, एट, मरोड़, एट मतलब इसमें कोई चीज उलझी हुई है, मरोड़ी हुई है, तो कहने का तात्पर्य उसके अंदर कोई चीज उलझी है। एट कैसे आई? मतलब वो उलझ चुकी है वो वस्तु, इसलिए एट आ चुकी, इसलिए मरोड़ आ गया। तो अनट्विस्ट यानी मरोड़ को अन कर दिया, यानी कि इस मरोड़ को हटा दिया, तो मतलब वो चीज सुलझ चुकी है। तो देखो, भौचक्का करना यानी कि भौचक्का करना, किसी आदमी को भ्रम में डाल देना, यानी कि उसको सुलझाना नहीं, उलझा देना, और यहां उलझा देना। अब देखते हैं, समझौता करना एक अलग चीज होती है। समझौते करने में हालांकि बात सुलझ जाती है, लेकिन ये बीच की अवस्था होती है, और ये आपकी स्पष्ट अवस्था है। तो यहां सुलझाने का आंसर क्या हो चुका है? सुलझाना अनट्विस्ट हो चुका है, तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन संख्या 44 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 44, हाँ जी, डिजॉर्ज, डिजॉर्ज वर्ड का मीनिंग होता है निगलना, डिजॉर्ज, ध्यान देना है दोस्तों।
डिसजॉर्ज वर्ड का मीनिंग्स होता है डिसजॉर्ज, जॉर्ज का मतलब होता है निगलने से और डिसजॉर्ज उगलना। देखो डिसनेगेटिव बंद विपरीत कार्य कर देगा डिस, यानी जॉर्ज का मतलब निगलने से और डिसजॉर्ज उगलना। ओके डिस्टिल वर्ड का मीनिंग्स होता है टपकना, टपकना, और ड्रीबल का मतलब होता है बूंद बूंद गिरना, बूंद बूंद गिरना। ओके इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना, इन अंदर जाने से होता है इन इंजेस्ट करना, यानी कि इंजेस्टन पाचन क्रिया होती है दोस्तों, इंजेस्टन यानी कि अंदर करने की अवस्था होती है। इजेक्ट का मतलब होता है निरसन होना, यानी एक साथ कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको इजेक्ट बोला जाता है, यानी कि निरसन, निरसन इजेक्ट, यानी कि यह अवस्था आपकी उगलने की होती है एक तरीके से, कोई चीज एक साथ बाहर निकलती है पूर्ण जोश के साथ तो उसको उगलना कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। यहां पर इजेक्ट, इजेक्शन निरसन कहलाता है, यानी बाहर निकलने से होता है कोई चीज का। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये बीच की अवस्था टपक रहा है, अभी बूंद बूंद चल रहा है, यानी पूर्ण नहीं हुई है। उगलना यानी पूर्ण रूपेण बाहर निकल जाना हो जाता है, निगलना पूर्ण रूपेण अंदर जाना होता है दोस्तों। तो निरसन और उगलना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे के क्या समानार्थी है, पर्यायवाची है। तो आंसर हो चुका है आपका सी। क्वेश्चन संख्या 45 पर ध्यान दीजिए। 45 डिसमे वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों उदासी, डिसमे जो है इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों उदासी। ओके ध्यान दीजिए एश्योरेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है आश्वासन, आश्वासन। डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, और डिसकंटेंट असंतुष्टि, असंतुष्टि होता है दोस्तों असंतुष्टि। ओके यहां पर ध्यान दीजिए कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस विश्वास होता है। यहां पर ध्यान दीजिए कॉन्फिडेंस विश्वास होता है। रेजोल्यूशन वर्ड का मीनिंग्स होता है संकल्प। ये देखो यहां आप देखते हैं कि डिसमे वर्ड का मीनिंग्स उदासी से होता है, आश्वासन उदासी का विपरीत है, विश्वास भी उदासी, जब आदमी को विश्वास दिला दिया तो उदास नहीं हो सकता, आश्वासन दे दिया उदास नहीं हो सकता, अगर किसी बात का संकल्प लग गया तो भी उदास नहीं है, असंतुष्टि उदासी, डिसकंटेंट, मतलब आंसर बी। डॉगमेटिक वर्ड का मतलब होता है जिद्दी, स्टब्रून। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों जिद्दी, जानवरों की श्रेणी में जिद्दी जानवर कौन सा होता है दोस्तों, डॉग होता है, कुत्ता होता है, कुत्ते के जैसा जिद्दी होना डॉगमेटिक, डॉगमेटिक वर्ड का अर्थ क्या हुआ कुत्ते के जैसा जिद्दी, यानी जिद्दी जानवर माना जाता है कुत्ते को, आप रोटी नहीं दोगे बाहर नहीं जाएगा, जिद्दी, अड़ियल भी कह सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहां पर डिक्टेटोरियल वर्ड का मीनिंग्स होता है तानाशाह, तानाशाह ध्यान देना है। एमिएबल वर्ड का मीनिंग्स होता है इच्छा से स्वीकार करने वाला, इच्छा से स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला, एमिएबल। और देखिए दोस्तों टॉलरेंट वर्ड का मतलब होता है सहनशील, सहनशील, सहन करने वाला। रेशनल वर्ड का मतलब होता है असंगत, संगत, रेशनल वर्ड का रेशनल असंगत और रेशनल संगत। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए कोई चीज सहनशील है तो वो जिद्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जिद्दीपन का गुण जो होता है सहनशील व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। इच्छा से कोई बात को स्वीकार कर रहा है तो वो कहने का तात्पर्य जिद्दी नहीं है,
आप या कोई चीज संगत है तो यह जिद्दीपण का कार्य नहीं करती है। तो आप देखते हैं यहां पर तानाशाह व्यक्ति जो होता है वो अपने मन की चलाता है, ये पक्का जिद्दी होता है। तो आप देखते हैं आंसर क्या हो चुका है, डिक्टेटोरियल हो चुका है। डिक्टेटर वर्ड का मीनिंग होता है तानाशाह, जो अपने मन की चलाता है। डम्फाउंडेड वर्ड का मीनिंग होता है भौचक्का होना। डम्फाउंडेड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, भौचक्का, बहुत चक्का। ध्यान देना है दोस्तों, डम्फाउंडेड का मीनिंग क्या हो गया, बहुत चक्का। एक्सप्लेन का मतलब होता है दोस्तों व्याख्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना एक्सप्लेन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, ब्रेकडाउन, खराब होना, खराब करना, ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। आप यहां पर देखते हैं बीबिल्डर का मीनिंग्स होता है अचंभित होने से। बीबिल्डर जो वर्ड है वो अचंभे के लिए आता है दोस्तों, बहुत चक्का होने से, बहुत चक्का होना। बीबिल्डर, बीबिल्डर्ड मीनिंग्स, ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रेकडाउन वर्ब है, यहां पर एक्सप्लेन करना वर्ब है, व्याख्या करना। एक्सप्लेनरी आपका एडजेक्टिव है, डम्फाउंडेड वर्ड आपका भी ये एडजेक्टिव है। तो इन दो पर तो आपका ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेट वर्ड का मीनिंग होता है संकेत करना, संकेत करना। डम्फाउंडेड मतलब बहुत चक्का करना, ये वर्ब भी है और आपका ये एडजेक्टिव भी है, डम्फाउंडेड बहुत चक्का। डम्फाउंड मतलब बहुत चकित करना। तो आप देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो चुका है, बीबिल्डर। डम्फाउंडेड का मीन्स क्या हो जाएगा, बीबिल्डर। अर्थली का मीनिंग होता है दोस्तों सांसारिक, अर्थली। अर्थली का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, सांसारिक, सांसारिक। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग होता है आत्मिक, आत्मीय, स्पिरिचुअल। ओके, सेलेस्टियल का मीनिंग होता है ब्रह्मांड संबंधित, सेलेस्टियल दैवीय भी होता है, दैवीय। ध्यान दीजिए दोस्तों, बर्डली का मीनिंग होता है सांसारिक और हेवनली का मीनिंग होता है स्वर्गीय। हेवन का मतलब स्वर्ग। ओके, तो आप देखते हैं ये दोनों अलग ही है मीनिंग से, यहां पर सांसारिक का सांसारिक, तो आपका अर्थली का बर्डली, यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी पूरे वर्ल्ड में है, तो अर्थली पृथ्वी हो चुका है। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल आपका दोस्तों ध्यान देना है, ये ब्रह्मांड से संबंधित भी होता है, सेलेस्टियल क्षेत्रीय देवीय भी होता है। ओके, क्वेश्चन संख्या 49 पर ईसेंट्रिक वर्ड का मीनिंग होता है सन की, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, सन की। ध्यान देना दोस्तों, एक्सेंट्रिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सन की। ओके, हाँ जी, एक्सेंट्रिक वर्ड का मीनिंग सन की। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मीनिंग होता है दोस्तों दीक्षांत समारोह, कन्वेंशनल, दीक्षांत समारोह। ये मीनिंग सेंस बिल्कुल हटके गया। ऑर्डिनरी वर्ड का मीनिंग होता है साधारण, साधारण। ओके, न्यूट्रल वर्ड का मीनिंग होता है शांत, न्यूट्रल, शांत। बिजमिल वर्ड का मीनिंग होता है सनकी या पागल, सनकी या पागल। तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, डी। हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान देना है दोस्तों, इसी तरीके से हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए आप, आपको सब बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बताया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा। ओके।